हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज के जो सभी 10 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके चेयरमैन को किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको 2016 में सेटअप किया गया था और बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ही जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर जो भी अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर LIC है, इन सब के जो भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जैसे MD, CEO, चेयरमैन और जो फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनका सिलेक्शन बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि इंडिया में अगर कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, तो उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। स्टूडेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जिसके थ्रू इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है कि कोई भी फर्म कितनी जल्दी अपना जो लोन है या फिर जो उसके ऊपर जो डेट है, जो उसने बैंक से जो डेट लिया है, उस पर कितनी जल्दी वो उस इंटरेस्ट को पे कर सकती है, उस लोन को कवर कर सकती है। इस चीज़ को ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को मैथमेटिकली समझा जाए तो इसको कहा जाता है, अगर किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट उसके द्वारा पे किया जाना है, इन दोनों के रेशियो के रूप में इसको जाना जाता है। मींस अगर क्या है, किसी भी फर्म का जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, फर्म्स प्रॉफिट अपॉन जो क्या होगा, उसके द्वारा बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया जाना है, ठीक है, इंटरेस्ट टू बी पेड, जो उसके द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाना है, इन दोनों के रेशियो को ही कहा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की उसकी अर्निंग्स कितनी है टैक्स और इंटरेस्ट से पहले, अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, या है उसको बैंक को कितना इंटरेस्ट देना है, इस चीज़ का जो रेशियो है वही कहलाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। स्टूडेंट, अब इसकी हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर क्या होता है, किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो उसकी जो इंटरेस्ट है, जो डेट्स में जो इंटरेस्ट को पेमेंट करने की जो इंश्योरिटी है वो क्लियर होती है, उससे इंश्योर होता है कि ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, इसका क्या है, ये इजीली अपने लोन को कवर कर सकती है, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकती है। उसके बाद स्टूडेंट, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये किसी भी फर्म का जो प्रेजेंट रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। साथ ही ये जो रेशियो है वो अगर कोई भी रिस्क है, कोई भी इमर्जिंग रिस्क है उस फर्म का, उसको चलाने में, क्योंकि इसके थ्रू जो भी किसी फर्म का जो अर्निंग होती है और जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, इन दोनों के रेशियो के द्वारा इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकाला जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, उसके प्रेजेंट रिस्क को समझने में हेल्प मिलती है। साथ ही अगर कोई उस फर्म का इमर्जिंग रिस्क है तो उसका इवैल्यूएशन भी किया जा सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स। इसमें पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी में नॉन फाइनेंशियल डेट्स में कौन कौन से डेट आते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय द हाउस होल्ड और अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स और होगा ट्रेजरी बिल्स। स्टूडेंट, ऐसे जो भी डेट हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, बैंक से लेते हैं और हम उनको अपने अदर
पर्पसेस के लिए, अपने खुद के पर्पसेस के लिए उनका यूज़ करते हैं, ऐसे सभी डेट नॉन फाइनेंशियल डेट कहलाते हैं। जैसे कोई भी हाउस होल्ड है, अगर वो हाउसिंग लोन लेता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, अपने घर को बनाने में उस लोन का यूज़ करता है, उसको वो किसी अदर पर्सन को फिर से उस लोन को रीलैंड नहीं करता है। स्टूडेंट अगर जैसे क्या है, नाबार्ड वगैरह कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, अगर वो पहले बैंक से लोन लेती हैं लेकिन उसको क्या करती हैं, वो खुद यूज़ नहीं करती हैं, उसको फिर से रीलैंड कर देती हैं, फिर से अदर बैंक को दे देती हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो गया फाइनेंशियल डेट। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में नॉन फाइनेंशियल डेट की। हमने बैंक से लोन लिया और अपने किसी भी पर्पजेज़ में उसका यूज़ कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, हमने उसको फिर से रीलैंड नहीं किया, फिर से उस लोन को रीसेल नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन फाइनेंशियल डेट कहलाएगा। और नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा लिया गया हाउसिंग लोन, या फिर क्या है, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स में जो भी अमाउंट है, उसके बाद क्या होगा, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स में जो भी अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, जो भी ट्रेजरी बिल्स हैं वो सब हमारे नॉन फाइनेंशियल डेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, इसमें पूछा गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू। इसमें पूछा गया है कि इंडिया में जो बैंक्स हैं उनमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में किस किस क्षेत्र में लोन को दिया जाता है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग और वीकर सेक्शन। स्टूडेंट ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसके द्वारा क्या है, ये बैंक के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि उसको कुछ ऐसे फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड हैं जिनमें क्या करना होगा, कुछ न कुछ उनको लोन देना ही होगा, इनके लिए क्या है, कुछ लोन को सर्टेन डिफाइन कर दिया गया है सर्टेन परसेंटेज में, ताकि इतना लोन क्या है बैंक इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी लेवल में दे। इनमें आते हैं एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग एंड वीकर सेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद। इसमें पूछा गया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे एसोसिएटेड हैं। स्टूडेंट इसका आंसर होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स को पी नोट्स भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। पूछा गया है कि इंडिया में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है किस प्रकार के रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेसिकली मींस ये होता है कि अगर क्या है, अगर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट की टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है, जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसको किया जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या दी जा सके, उसको थोड़ी गति दी जा सके, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ किए जा सके डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है The prices at which the government purchases food grains for maintaining the public distribution system and for building up buffer stock is known as। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्राइस पर फूड ग्रेन्स को परचेज किया जाता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, जिससे कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको यूज़ कर सके और साथ ही बफर स्टॉक्स को बनाने में किया जाता है, तो उस प्राइस को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस जो जिस प्राइस पर गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी परचेजिंग की जाती है, उस प्राइस को कहा जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइजेस। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, इसमें पूछा गया है कि किसी भी दिए गए समय में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में नेशनल इनकम किसी भी कंपनी की जो राष्ट्रीय, किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो किसके बराबर होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर। स्टूडेंट किसी भी एक साल में, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जितने भी फाइनल गुड्स डेवलप हुए हैं उनकी मनी वैल्यू और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो मनी वैल्यू है वही कहलाती है किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूट्स कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट के क्या क्या एलिमेंट हैं, किन किन एलिमेंट से मिलकर कैपिटल अकाउंट बनता है, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो स्टूडेंट जो फॉरेन लोन्स हैं, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैं, ये सभी जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी लोन्स हैं, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आते हैं और इनके द्वारा ही कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे फॉरेन लोन्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैं, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इन इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस चीज़ को बताते हैं। स्टूडेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस बताते हैं कि RBI के द्वारा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो परचेजिंग की जाती है या फिर उनकी जो भी सेल की जाती है उसको ही कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। RBI के द्वारा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो परचेजिंग है या फिर उनकी सेल की जाती है उसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। परचेज एंड सोल एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द RBI, परचेजिंग और सेलिंग जो की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की RBI के द्वारा उसी को ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। स्टूडेंट आज के 10 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।